बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब एक माह चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को दिलाएगी एक नई पहचान। हर जिले के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हो महोत्सव आयोजित। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौर्य और संस्कार की तपती धरती पर स्ट्रॉबेरी उगाए जाने को किसानों के परिश्रम का परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाएगी, यहाँ के लोगों का पलायन रोकेगी। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ अपने आवास से झांसी में हो रहे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए यह दावा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान बंधुओं को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हो रहा है, उसी तरह से सिद्धार्थनगर में काला नमक तथा चंदौली, बाराबंकी, कौशाम्बी और प्रयागराज के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी महोत्सव आयोजित किए जाने चाहिए। झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से करीब एक महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक तथा प्रदेश सरकार के मंत्रीगण व अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामना भी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में हुआ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और यहाँ हो रहा स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं। बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी उसे बदलने का यह महोत्सव में अहम भूमिका निभाएगा। यही नहीं, झांसी में हुई स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का काम भी करे। स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यह भी तय ही हो गया कि बुंदेलखंड में सब कुछ है। झांसी में स्ट्रॉबेरी का उगाया जाना तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों के परिश्रम का परिणाम है। मैं इसके लिए सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था, इसके बाद इसे वहां के खेतों में रोपित किया गया। किसानों की मेहनत का यह परिणाम अब यह एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी व बुंदेलखंड में एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के नागरिकों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, यहाँ की उर्वरा भूमि में सोना उगलने की क्षमता है, लेकिन कुछ समय पहले तक इस प्रतिभा को उचित मंच नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता था। हमने यहाँ के लोगों को उचित माहौल देने का बीड़ा उठाया। बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र के रूप में स्थापित छवि को समाप्त कर विकास की नई धारा शुरू की। वर्षों से रुकी पड़ी सिंचाई परियोजना को शुरू कराया। कोरोना काल ने प्रदेश भर के किसानों की दिक्कतों को दूर किया और उन्हें बीज से लेकर बाजार तक उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। यह किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के साथ ही मार्केट की मांग के अनुरूप आपूर्ति में सहायक होगा। बुंदेलखंड व उत्तर प्रदेश में काफ़ी उर्वरा भूमि है, हमारे पास सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में है। हम खेती को ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से जोड़कर आज की क्षमता से 3 गुना अधिक सिंचाई क्षमता विकसित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार स्ट्रॉबेरी की खेती और मार्केटिंग पर लखनऊ में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH भी बेहतरीन काम कर रहा है। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के अनुसार बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हुई है। यह क्षेत्र कभी फलों के लिए नहीं जाना गया। झांसी जनपद दलहन, तिलहन और अदरक की पैदाइश के लिए जाना जाता है। पहली बार बिना किसी सरकारी मदद के झांसी में 2 परिवारों ने इस तरह की पैदावार में सफलता हासिल की है। इन परिवारों ने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल के माध्यम से इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती करके दिखा दिया कि झांसी और बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है। ऐसे में यह सोचा गया कि यदि झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जाए तो किसानों को बेहतर आमदनी का एक नया जरिया मिल सकेगा। इसके चलते ही झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन करने का फैसला किया। जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी के अनुसार अब स्ट्रॉबेरी महोत्सव के दौरान वर्कशॉप आयोजित कर लोगों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें और इसकी खेती करने से उनकी आमदनी में कैसे इजाफा होगा।
गांव और शहरों में लोग अपने आंगन में स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाएं। इसके लिए जिला प्रशासन लोगों को स्ट्रॉबेरी के पौधे भी मुहैया कराएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पावन धरती झांसी में आयोजित स्ट्रॉबेरी महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनुराग शर्मा जी, महापौर झांसी श्री राम तीरथ सिंघल जी, मान्य विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री राजीव सिंह परीसा जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान डॉक्टर मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर जेबी वैसव पायन जी, कुलपति महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, झांसी के मंडलायुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी झांसी के उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड की धरती में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी उस धारणा को अपने परिश्रम अपने पुरुषार्थ से इस महोत्सव के माध्यम से एक नया संदेश बुंदेलखंड देने जा रहा है। वास्तव में जब मैं बुंदेलखंड को देखता हूं तो मेरा यह मानना है कि वास्तव में वहां सब कुछ है। वहां के नागरिकों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव, परिश्रम और पुरुषार्थ के लिए देश की सीमाओं से लेकर के वहां की उर्वरा भूमि को सोना उगलने की क्षमता देने का सामर्थ्य, लेकिन उस प्रतिभा को उचित मंच न मिलने के कारण वह प्रतिभा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती थी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन नागरिकों का जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के लिए यहां की धरती को उपयोगी बनाने का कार्य किया है। खास तौर पर यह मान्यता रही है कि स्ट्रॉबेरी एक शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही पैदा होती है, दूसरा उसके लिए
जिस प्रकार की मिट्टी, पानी या फिर जलवायु और टेम्परेचर की आवश्यकता है, आज के समय में हम लोग उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके ये चीजें तैयार कर सकते हैं। और जो मुझे बताया गया कि वहां पे कार्यक्रम, ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया, घर की छत के बाद इसे खेतों में रोपण करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी जनपद में और बाद में मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में यह अपनी एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन चुनौती का मुकाबला करके परिणाम दे सकता है। आपने देखा होगा जब मार्च 2020 में देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, लॉकडाउन के इस दौरान किसानों के खेत में फसल तैयार थी, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के कोरोना संक्रमण को भी रोका और साथ ही साथ खेती किसानी के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी प्रकार से गन्ना किसानों ने उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें, इन सभी चीनी मिलों को संचालित करवाने के साथ ही एक भी किसान के खेत में कोरोना के इस कालखंड में गन्ना न रहे बल्कि वह गन्ना मिल तक पहुंच जाए, यह कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। किसान भाइयों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से कहीं भी सब्जी, दलहन, तिलहन, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी। जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब किसान अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के देश के सामने धरती माता से सोना उगलने का काम कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कि जहां चाह वहां राह। अभी विगत दिनों मेरे पास सुल्तानपुर से भी कुछ किसान आए थे, बाराबंकी से भी कुछ प्रगतिशील किसान आए थे। सुल्तानपुर से आने वाले किसानों ने एक ऐसा फल उत्पादन किया है अपने खेतों में जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में की भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही बाराबंकी के किसानों ने भी अपने परिश्रम से अपने खेत पर उस प्रकार के फल को, उस प्रकार की सब्जियों को उगाने का काम किया जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। आज जब सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी देकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है, बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है, स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल
बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है, साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। और ये अद्भुत चमत्कार है, झांसी में स्ट्रॉबेरी का ये महोत्सव जो अगले एक महीने तक चलेगा, मैं इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता हूं। और ये चमत्कार बुंदेलखंड के हमारे जो परिश्रमी वहां के किसान भाई हैं उन्होंने यह करके दिखाया है। मैं इसके लिए उन सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह महोत्सव बहुत सारी प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा इस बात का दे रहा है कि हरेक जगह और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करता हूं तो मेरा यह मानना है कि इतनी उर्वरा भूमि और हमारे पास सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में है, अगर हम इस सरफेस वाटर का उचित नियोजन करें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। हम ड्रिप इरिगेशन के साथ खेतों को जोड़ देंगे, सिंचाई के साधनों को जोड़ देंगे तो आज की जितनी क्षमता हमारे पास है उसमें 3 गुना अधिक सिंचाई की क्षमता हम स्वतः ही विकसित कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे यहां सिंचाई के साधन में बाणसागर की परियोजना विगत वर्ष हमने पूरी की है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को, अर्जुन साहेब जैसी परियोजनाओं को, ऐसी 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को हम अति शीघ्र पूरा कर रहे हैं, जो 20 लाख हेक्टेयर खेती की भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में जिससे मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम इसे ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ देंगे तो हर खेत को पानी देने के संकल्प को हम चरितार्थ कर सकते हैं। तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती वहां प्रारंभ हुई है उसमें उन्होंने टिश्यू कल्चर को भी वहां महत्व दिया है, यानी हम तकनीक को जिसे जोड़ करके आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और किसानों की लागत यानी फसल की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाना और उससे आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। यह जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव है झांसी का, यह महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत खास तौर पर अन्नदाता किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है। जो महोत्सव यहां पे हो रहा है इसी प्रकार का महोत्सव बाराबंकी में भी हो सकता है, इसी प्रकार का महोत्सव सुल्तानपुर के उन किसानों के द्वारा उन प्रगतिशील किसानों के साथ भी मिलकर के आगे बढ़ाया जा सकता है जो ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर के अंदर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने सब्जी उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन करके बाराबंकी को एक नया स्थान दिलाया है, इस प्रकार का महोत्सव सिद्धार्थनगर जनपद में भी हो सकता है जहां काला नमक चावल एक नई पहचान बना रहा है, इस प्रकार का महोत्सव चंदौली में भी हो सकता है जहां पर ब्लैक राइस ने वहां के कई किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है, इस प्रकार का महोत्सव हम लोग कौशाम्बी और प्रयागराज में भी कर सकते हैं जहां पर वहां के किसानों ने किसी कालखंड में अमरूद की अच्छी खेती करके वहां के अमरूद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया था, इस प्रकार का महोत्सव हम लोग पश्चिम में गन्ना उत्पादन वाले उन क्षेत्रों में भी कर सकते हैं जहां पर गन्ने की बेहतरीन खेती के माध्यम से जैविक गुड़ पैदा करने का कार्य यानी ऑर्गेनिक गुड़ पैदा वहां पर उत्पादन करने का कार्य वहां के किसान कर रहे हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस प्रकार के महोत्सव
कुशीनगर में भी हो सकता है, जहां पर केले की खेती के माध्यम से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य वहां के किसानों ने किया है। और मैं कृषि विभाग से भी कहूंगा, उद्यान विभाग से भी कहूंगा कि इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए, एक सार्थक प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा, ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी सहायक होगा और मार्केट की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने में भी सहायक होगा। इस पूरे महोत्सव के प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उन सभी किसानों के प्रति, उन सभी उद्यमियों के प्रति मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयास से आज यह महोत्सव वहां पे मूर्त रूप ले रहा है। और खास तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को वहां पे प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से महोत्सव के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।